हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, यहां पे एम्पियर मैग्नस ईएक्स मॉडल हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। एंड फाइनली आज हम लोग इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल में वॉक अराउंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइज, एक भी डिटेल को मिस ना करने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके हमें बताते रहें। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को। तो गाइज़, यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले इसके टायर की बात कर लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे TVS का ट्यूबलेस टायर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ 10 इंचेस के एलॉय सेटअप देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो कि बात करें अगर अपन यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम की, तो गाइज़ ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है जो कि ड्रम ब्रेक सेटअप में है। एंड जो इसके सस्पेंशन दिए हुए हैं वो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी जो देखने के लिए मिल रही है वो गाइज़ काफ़ी अच्छी और बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे दी हुई है। एंड जो क्वालिटी है गाइज इसकी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रही है। बात कर लेते हैं गाइज इसके फ्रंट के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये नंबर प्लेट लगाने के लिए है, क्योंकि ये गाड़ी RTO रजिस्टर्ड है, सो दैट इसलिए नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एम्पेयर इसकी बैजिंग यहाँ पे छोटी सी दे दी गई है एंड बड़ी प्यारी लग रही है। एंड साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके LED लाइट सेटअप के बारे में। तो गाइज़ ये जो क्रोमियम फिनिशिंग आप देख पा रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर में आपको लाइट सेटअप दिया गया है जो कि इंडिकेटर एंड DRLs के साथ है। इंडिकेटर यहाँ पे आप लोगों को जो हैलोजन बल्ब के साथ देखने के लिए मिल रही है। एंड साथ ही साथ जो DRLs है गाइज वो कम्प्लीटली LED सेटअप में है। जो हेडलैम्प्स इसके दिए गए हैं गाइज वो कम्प्लीटली इसके LED में है। और ये जो क्रोमियम फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, जो एरोडायनामिक शेप इसके अंदर यूज़ किया गया है गाइज, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। साथ ही साथ इसके ऊपर आप लोगों को दोनों साइड पे साइड मिरर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको, जो ये साइड मिरर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं अपने को सेफर साइड चलाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे देख लेते हैं हैंडल बार्स में हमें क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पर आपको साइड मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेटर, ड्रम ब्रेक्स के लिए लीवर, हाई स्पीड लो स्पीड मोड। इसमें एक्चुअली हाई स्पीड में, जैसे कि लो स्पीड में बता देता हूँ, लो स्पीड में आपको 35 का स्पीड मिलता है, हाई स्पीड में आपको 55 की स्पीड मिल जाती है। यहाँ पे DRL एंड इसके बाद हेडलाइट्स, जैसे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, DRLs, हेडलाइट्स, फॉक्स भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, बंद कर देते हैं। एंड इसके बाद इंजन किल स्विच भी कह सकते हैं इसे, और इसको हम सेल्फ स्टार्ट बटन भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मीटर में, इसको जैसे ही मैं पुश करता हूँ वैसे ही यहाँ पर एक लाइट जल जाती है। एंड उसके बाद इसका मोटर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये राइडिंग कंडीशन में आ जाती है। बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सेम एज लेफ्ट में आपको यहाँ पर साइड मिरर देखने के लिए मिल जाता है, हाई बीम लो बीम, हॉर्न स्विच, टर्न इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, ये इंडिकेटर्स हो गए। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो ब्रेक लीवर आप देख पा रहे हैं, ब्रेक लीवर के साथ ये ब्रेक लॉक भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत इजी टू एक्सेस है। यहाँ पे सिंपली मैंने हल्का सा इसको पुश किया है, लग गया। अभी यहाँ पे आपकी गाड़ी लॉक हो चुकी है, अब ये गाड़ी मूव नहीं कर सकती है। इसके बाद जैसे ही मुझे ये गाड़ी को आगे मूव करवाना होगा, उसके बाद मुझे सिंपली इसको प्रेस करना होगा। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके डिजिटल मीटर कंसोल के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटली स्पीडोमीटर है ये। एंड यहाँ पे मैग्नस की और एम्पेयर की यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है। एंड साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इंजन किल स्विच के बारे में, जो यहाँ पे एक इंडिकेटर देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये आपका इग्निशन सिस्टम बताता है। एंड साथ ही साथ ये जो आप टोटल देख पा रहे हैं राउंड शेप में जो दिया हुआ है, ये गाइस ये हाई स्पीड और लो स्पीड को इंडिकेट करता है कि आप कितने लाइक RPM है, या फिर इसको हम एक डिज़ाइन भी कह सकते हैं एक तरह से, तो ये वो चीज़ है। ओवरऑल किलोमीटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, कितने किलोमीटर की ट्रिप आई हुई है, या फिर ओडोमीटर अपन इसको कह सकते हैं, 1 और 2 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसको 1 पे डाल के देख लेता हूँ एक बार। तो ये हो गया अपना कौन से मोड पे गाड़ी चल रही है आपकी, ये चीज़ दिखाता है। बेसिकली इसके अंदर 2 ही मोड्स आते हैं। एंड इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज, ये ओवरऑल ओडोमीटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी का साइन दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन यहाँ पे इंडिकेटर्स, एंड इसके साथ हाई बीम लो बीम,
ये इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे चाबियों के बारे में। तो गाइस यहाँ पे दो चाबियाँ देखने के लिए मिल रही है आपको, एंड इसी के बाद यहाँ पे दो रिमोट लॉक सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से भी इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फाइंड करने के लिए गाड़ी का जो एक अलार्म सिस्टम होता है वो, और उसके बाद लॉक एंड अनलॉक, ये चार फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल चार्ज का, यहाँ पे आप इजीली अपना जो प्लग है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड जो आपका यूएसबी पोर्ट है वो गाइस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एंड इसी के साथ साथ मोबाइल को चार्ज पे लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसके अंदर, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक हैंडल बार लगा दी गई है, यहाँ पे आप कुछ भी सामान लटका के कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे सीट के नीचे गाइज आप लोगों को यहाँ पे चार्जर दे दिया गया है, चार्ज आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। बैटरी अगर आप नहीं निकालना चाहते या फिर आपके पास कहीं पे पार्किंग में चार्ज करने का स्लॉट है, तो गाइज आप वहाँ पे आप इस गाड़ी को इजीली चार्ज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइज इस गाड़ी की सीट के बारे में। तो सीट यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल दे दी गई है, एंड दो लोगों के लिए आई थिंक इनफ है। और सीट के बारे में मैं बता देता हूँ, कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा है सीट का, कुशनिंग काफ़ी अच्छी कर दी गई है, एंड इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा मैग्नेट्स की बैजिंग यहाँ पे दे दी गई है सीट के जस्ट नीचे। यहाँ पे पिलियंस के लिए फुटरेस्ट, अगेन यहाँ पे साड़ी गार्ड के साथ साथ यहाँ पे फुटरेस्ट, तो गाइज ये काफ़ी अच्छा दे दिया गया है। अगेन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सीट के पीछे की जो ग्रैब रेल यहाँ पे दी गई है वो गाइज लुकिंग वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। आप यहाँ पे कुछ भी सामान लाइक बांधना भी चाहें तो यहाँ पे भी बांध सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर होल्स भी किए गए हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइज इसके रियर लुक के बारे में। तो रियर लुक में गाइज यहाँ पे आप लोगों को जो टेल लाइट सेटअप दिया गया है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी एरोडायनामिक शेप में दिया गया है। साथ ही साथ इसमें दोनों साइड पे इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, एंड इसी के साथ साथ जस्ट लाइट के जस्ट नीचे एक इस साइड पे एक रिफ्लेक्टर दे दिया गया है, ये छोटा सा ये रिफ्लेक्टर है, एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट और प्लेस करने के ऑप्शन दे दिए गए हैं। दोनों साइड पे आपको गाइज यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पीछे मरकार्ड है, एंड गाइज बात कर लेते हैं इस गाड़ी की मोटर के बारे में। तो ये जो मोटर आप देख पा रहे हैं गाइज ये 1.2 किलोवाट की है, जो कि बहुत पावरफुल मोटर होती है। एंड साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइज ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी इसके लिए एक मोटर के लिए कवर का काम करता है, एंड काफ़ी ज़रूरी होता है ये। एंड साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइज ये जो पीछे की साइड पे आप रियर साइड पे जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं ये कम्प्लीटली स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, जो कि ड्यूअल फोक्स के साथ यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे इसका पीछे से सीट इसकी ओपन करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे इसको लेफ्ट में ट्विस्ट करना पड़ेगा, एंड ये हमारी सीट यहाँ पे ओपन हो गई है। तो गाइज ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लाइट भी जल गई है, तो सबसे पहले मैं इसको हटाना चाहूँगा। यहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। यूजर मैनुअल, ये कुछ की यहाँ पे रखी है, अब ये की यहाँ पे लग जाएगी, इसको मैं ओपन करके दिखा दूँगा। टूल बॉक्स एंड फर्स्ट एड किट, इसको अभी रख देते हैं साइड में। इसको ओपन कर लेते हैं, तो गाइज ये हमारे यहाँ पे एम्पेयर की बैटरी है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बैटरी को नीचे की तरफ सेंटर में दबा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस बैटरी आप चाहें तो इसको डिटैचेबल बैटरी बना सकते हैं, एक्चुअली इसको बैटरी को निकाल भी सकते हैं यहाँ से,
तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आती क्योंकि ये डिटैचेबल बैटरी के साथ ही है। इस बताना चाहूँगा ये जो बैटरी है ये 2.3 किलोवाट की है एंड यहाँ पे आप लोगों को 120 किलोमीटर तक का रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब ये ऑन फील्ड है या ऑन रोड एक्सपीरियंस के साथ है ये मैं नहीं कह सकता, बट जो एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है गाइज़ वो भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत जल्दी लेकर आऊँगा इस स्कूटी के लिए। तो गाइज़ इसके लिए अभी मैं यहीं तक बताना चाहूँगा 120 किलोमीटर तक का इसका रेंज कंपनी क्लेम करती है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आज मैं आया हूँ यहाँ पे इस गाड़ी को जो शूट कर रहे हैं हम लोग। तो गाइज़ ये हम लोग आए हैं ऑटो सिटी मोटर्स पे जो कि जयपुर में सीकर रोड पे लोकेटेड है। इसका कंप्लीट एड्रेस मैं आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूँ। तो गाइज़ इस गाड़ी से रिलेटेड स्कूटी से रिलेटेड आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेरी हो, आपका कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई नहीं हुए या फिर मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो गाइज़ आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आके इस वीडियो को दिखा सकते हैं एंड यहाँ पे आप इस गाड़ी को फिज़िकली देख सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आके परचेज कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय बताएं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलता हूँ गाइज़, थैंक यू सो मच।